द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। सुभाष चंद्र बोसेर गल्प सुनुन सुभाष चंद्र मुखे। मेरे मकान के बाहर बंदूकधारी पुलिस का पहरा था। सादे वेश में कुछ जासूस भी इधर उधर घूम रहे थे। उसी समय मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भारत को स्वतंत्र करा लूं। आधी रात के समय मैं अपने मकान से बाहर निकला। मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, मैं शेरवानी और पठानी पजामा पहना हुआ था। मैं पेशावर जाने वाली रेलगाड़ी में जाकर बैठ गया। एक फौजी अफसर ने मुझसे मेरा परिचय पूछा तो मैंने उत्तर दिया, जियाउद्दीन बीमा एजेंट। क्या तुम बता सकते हो कि यह जियाउद्दीन कौन था? जियाउद्दीन के वेश में था मैं पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए ही पठान बना था। मैं भारत को स्वतंत्र कराना चाहता था। मुझे शक्ति में विश्वास था। मैं अंग्रेजों को युद्ध में हराकर उन्हें भारत से बाहर निकालना चाहता था। उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। हिटलर ने अंग्रेजी सेनाओं पर धावा बोल दिया था। चारों ओर अंग्रेजों की हार हो रही थी। मैं पेशावर से काबुल पहुंचा, फिर मैं काबुल से बर्लिन गया। वहां पहुंचकर मैंने हिटलर से भेंट की। सुभाष चंद्र बोसेर गल्प सुनुन सुभाष चंद्र मुखे। मैं पनडुब्बी में बैठकर सिंगापुर पहुंचा। वहां बहुत से भारतीय सैनिकों को जापानियों ने बंदी बनाकर रखा था। मैंने भारतीय सैनिकों को मुक्त कराया। इन सैनिकों की सहायता से मैंने आजाद हिंद फौज बनाई। मुझको युद्ध के लिए धन की आवश्यकता पड़ी। सिंगापुर में बसे भारतीयों ने मुझे सोने से तौल दिया। महिलाओं ने अपने गहने तराजू के पलड़े में चढ़ा दिए। उनके त्याग को देखकर मेरी आत्मा गदगद हो गई। धीरे धीरे आजाद हिंद फौज के सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ महिलाएं भी आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गईं। मैंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मैं अपने सैनिकों से कहा करता था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज के सैनिक भी आजादी के दीवाने थे। मेरे साथ तीन बार बोलिए, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
smart.